मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास। स्टूडेंट्स, यह कहानी रब ते रुत्तां दी तीसरी वीडियो है। रब ते रुत्तां कहानी ICSE बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक कथा संवेदना दे सफा नंबर 45 उपर दर्ज है। इस कहानी नू डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा वर्गी कहानीकार दी कलम दी शोह प्राप्त है। इस कहानी दी पहली अते दूसरी वीडियो विच असी कहानी दे सार अते टेक्स्ट बुक दे सफा नंबर 45, 46 अते 47 नाल संबंधित औखे शब्दां दे अर्थ अते पाठ समगरी उपर चर्चा कर चुके हाँ। इस कहानी दी इस तीसरी वीडियो विच असी सफा नंबर 48, 49 अते 50 दे औखे शब्दां दे अर्थ डिस्कस करांगे ते इन्हां सफ़ियां दी पाठ समगरी नूं विस्थार सहित डिस्कस करांगे। पर उस तों पहलां असीं पहलियां दो वीडियो विच कीते काम नूं दोहरावांगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहलियां दो वीडियोज़ विच असीं सफ़ा नंबर 45, 46 ते 47 तक कहानी दी रीडिंग कीती है, जिस तों सानूं इह प्रतक हुंदा है कि रब ते रुत्तां कहानी डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा जी दे कलम दी रचना है। इस कहानी विच मुख पात्र रब जो कि चिड़ी दे रूप विच है अते रुत्तां हन। इस कहानी विच लेखका ने मनुख द्वारा विज्ञानक ढंगां नाल सिरजे हुए जीवन ते चोट करदिया दस्या है कि मनुखी जीवन जो कुदरती साधना नाल एकमिक होण ते सुहावना हो सकता है, वह विज्ञानक साधना द्वारा नहीं हो सकता है। कहानी दे आरंभ विच जिक्र किया गया है कि बहुत पुराने समय की गल है, उस समय रब स्वर्ग विच रहिंदा सी ते स्वर्ग तो हेठा हर पासे धुंधुकार भाव की अंधकार सी। रब एक दिन स्वर्ग विच नदी के किनारे घूमदा होया सिरजी जा रही सृष्टि के विचारां विच खुबिया होया सी। पर अचानक बदलां की गरज के कारण जदों उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है तां उह खिज के रुत्तां नूं धरती उत्ते भेज दिंदा है। रुत्तां धरती उत्ते आ के मनुख नाल कई तरह दीयां मशकरियां करदियां सन। वह अपने शुगल लई कदी हाड़ कदी सोके ते कदी मीह दे रूप विच उस नाल शरारतां करके मनुख नूं बिपता पाउंदियां सन। पर मनुख हौली हौली विकास करना शुरू कर दिंदा है। वह रुत्तां दीयां शरारतां तों बचण लई खोले कंदरां छपरियां कोठे घर बंगले आदि बना लैंदा है। फिर हौली हौली विज्ञानिक तरक्की के नतीजे वजो जो मनुख रेडियो की काढ़ कढ़ लैंदा है तो उसनू रेडियो राही मीह बारे अगाऊँ ही पता लग जाता है। फिर वह औड़ तो बचने लई दरियावां नू बन मार के पानी इकट्ठा कर लैंदा है ते ट्यूबवैल भी लगा लैंदा है। इत्थों तक कि जदों कदे शरारत नाल रुत्त हवा बंद करके खलो जाती तो मनुख बिजली नाल चलण वाले पखे चला लैंदा। इस तरह रुत्तां मनुख दे सुभाव विच आए परिवर्तन तो निराश हो जांदियां हन ते ओह धरती तो वापस स्वर्ग विच जा के रब नूं बेनती करदियां हन कि हुण धरती उपर उन्हां दी लोड़ नहीं है, इसलिए उन्हां नूं वापस बुला लिया जावे। रब रुत्तां दी शिकायत जाण के चिड़ी दे रूप विच धरती ते आउंदा है। जदों ओह धरती ते आउंदा है ते उदों नचदे होए मोर सैंता मारते फुल ते गाउंदे होए पंछियां नूं देखदा है तां उस नूं प्रतीत हुंदा है कि धरती बहुत ही सोहणी थां है। इस तों बाद वह एक शहर विच जांदा है जिथे भीड़ भड़का रौला देख के लोगों के वार वार घड़ियां वेखण एक दूजे नाल ओपरियां वाला विहार करन ते पिंजरे विच विक रही चिड़ियां नूं देख के वह थोड़ा हैरान हो जाता है ते घबरा जाता है। इस तों बाद वह एक मंदिर विच जांदा है जिथे वह नंगे पैरां वाले मुंडे नाल सौदेबाजी करके दो आने की थां डेढ़ आने के ताज़े फुलां दे हार लैके मंदिर विच मूर्ति नाल लैण देण दी गल करन वाले मोटे लाले नूं वेखदा है। उस तों बाद वह वालां विच टंगे फुल दा पल्ले नाल साह कुटन वाली सोहनी जनानी देखदा है जिस नूं देख के रब दीयां अक्खां विच वी चमक आ जांदी है। इस तों बाद रब वेखदा है कि मीह दीयां कणियां पैणियां शुरू हो जांदियां हन तां कोई भी मनुख उन्हां दा आनंद नहीं माणदा, बल्कि सारे मनुख बरसातियां ते छतरियां ताण लैंदे हन। डियर स्टूडेंट्स, ਇਹ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ
पेज नंबर 48, 49 और 50 के औखे शब्द डिस्कस करांगे ते फिर इन्हां सफ़ियां दी विस्थार सहित रीडिंग करदे हुए उस उपर चर्चा करांगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण सब तो पहले पेज नंबर 48 के औखे शब्दां दे अर्थ। सब तो पहला औखा शब्द है झटका। झटका तो भाव है जोरदार धक्का। सुरत भाव की होश। फिकर चिंता। छेड़खानी शरारत। अगला शब्द है सुगंध। सुगंध तो भाव है महक या फिर खुशबू। बोचे फड़े। अगला शब्द है झिझकदा। झिझकता तो भाव है झकदा या शर्माउंदा। नैक्सट है डिंगी टेढ़ी। डिंगी टेढ़ी तो भाव है विंगी टेढ़ी। अगला शब्द है बहार। बहार तो भाव रुत। हाँ जी नैक्सट वर्ड इज कणिया। कणिया भाव की मीह दियां बूंदा। वाकफा वांग भाव की जानकारां दे वांग। हाँ जी नाउ पेज नंबर 49। फर्स्ट वर्ड है चाल। चाल तो भाव रफ्तार या फिर तूर। भिज जाणगे गिले हो जाणगे। कसे। कसे तो भाव की पुराने या फिर खस्ता हालत वाले। खचरी जही हासी। खचरी जही हासी तो भाव है मश्करी दे नाल भरी हुई हासी। कहली कहली जल्दी जल्दी ते या फिर छेती छेती। अगला शब्द है टोबे। टोबे तो भाव है छप्पड़। हाँ जी नेक्स्ट वर्ड खबरे शायद। नैक्सट पंबूल फुल। मन विच खिड़ गया भाव मन ही मन विच खुश हो गया। लरजा के कंब के। नैक्सट वर्ड है कसमैले। कसमैले तो भाव की गंदे पानी। हाँ जी नैक्सट वर्ड साडा है नृत। नृत का अर्थ है नाच। सच्ची मुची दे। सच्ची मुची दे भाव की वास्तविक या फिर असली। एंड लास्ट वर्ड है करामात अर्थात चमत्कार। नाउ पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 के उपर फर्स्ट वर्ड है उंजल। उंजल भाव हथां नूं जोड़ के बनाया गया बुक। जिंद का अर्थ है जान। पौना तो भाव है हवावां। बरोटे तो भाव है छोटा जिहा दरख्त। अगड़ पिछड़ भाव की अगे पिछे। तक के वेख के। बहार रुत। आग्या हुकम। यस स्टूडेंट्स, हुण असी पेज नंबर 48, 49 और 50 दी पाठ समगरी दी रीडिंग करांगे। यस पेज नंबर 48। चिड़ी बड़िया रब एक खंभे उत्ते बैठन ही लग्या सी कि उस नूं करंट दा अजिहा झटका लग्या कि पल दो पल लई उस दी सुरत जही गुम हो गई। हाँ जी स्टूडेंट्स, की हुंदा है पिछले पेज दे अनुसार जदों रब जो कि चिड़ी दे रूप विच सी वह मंदर तो बाहर आउंदा है ते बाहर आ के उसनू कोई भी बैठन लई दरखत नहीं मिलदा तां वह एक बिजली दे खंभे उपर बैठ जांदा है जिथे वह बिजली तो वाकफ नहीं हुंदा ते उसनू करंट दा झटका जोरदार धक्का लगता है। इस झटके दे कारण कुछ समय लई तां उसदी होश ही गुम हो जाती है। कच्ची जी हासी हस के वह एक घर की छत उत्ते बैठ गया। हुण रब नूं जदों इह झटका लगता है उहदी सुरत जी गुम हो जाती है ते वह कुछ शर्मिंदगी जी महसूस करता है ते इस तरह कच्चा जिहा होया हसदा होया वह एक घर की छत के उपर जाके बैठ जाता है क्योंकि उसनूं बैठण लई कोई भी दरखत नज़र नहीं आउंदा। उसनूं फिकर हो रहा सी कि शहर विच किधरे दरखत ही नहीं। पंछी कित्थे बहिंदे होणगे। आलणे कित्थे पाउंदे होणगे। रात नूं कित्थे सौंदे होणगे। हुण रब चिंता विच पै जांदा है कि पूरे शहर विच किते कोई रुख नज़र नहीं आ रहा ते फिर वह पंछियां बारे सोच के फिक्रमंद हो जाता है कि रुखां तों बिना पंछी विचारे कित्थे बैठदे होणगे। वह अपने रहण लई आलणे कित्थे पाउंदे होणगे ते रात नूं सौंदे कित्थे होणगे। असल विच
रब पंछियों बारे फिक्रमंद हो रहा हुंदा है पर वो ये जानता ही नहीं हुंदा कि जेकर इस शहर में दरख्त नहीं हन तो दरख्तों के बैठने वाले पंछी भी मुक चुके हैं। उसनू किसी ने नहीं सी दसिया कि इस शहर में पंछी हन ही नहीं। भाव की है कि जो रब हुंदा है वह पंछियों के रहन बारे उन्हां दे सौण बारे फिक्रमंद हो रहा हुंदा है पर उसनू किसी ने यह जानकारी दी ही नहीं हुंदी कि इस शहर में पंछी खत्म हो चुके हैं। सो इस तरह इन्हां सत्रां दे राहीं जो लेखका है वह मनुख की विज्ञानक तरक्की के उपर चोट करती है कि विज्ञानक तरक्की के नतीजे कारण जिथे मनुख ने रुख खत्म कर दिते हैं उत्थे अपने आले दुआले विचरदे पंछियों की होंद नूं भी खत्म कर दिता है। चिड़ी बणिया रब हैरान होकर देख रहा सी कि ना किसी ने कणिया की छेड़खानी महसूस की सी ना किसी दियां अखां विच बदलां दे परछावें नचे ना कोई नंगे पैरी धरती की सुगंध पीण आया ना किसी ने वाल खोल के डिगदे मोती बोचे। हाँ जी अजे रब रुखां ते दरख्तां नूं लैके चिंतित हुंदा है कि उस समय वह वेखदा है कि कणियां पैणियां शुरू हो जांदियां हन तां वह की वेख के हैरान हो जांदा है कि कोई भी मनुख मीह दियां इन्हां कणियां की छेड़खानी भाव शरारत नूं महसूस नहीं करता इन्हां कणियां का आनंद नहीं माणदा ना ही कोई मनुख असमान विच छाए बदलों नूं वेखदा है ते ना ही किसी दियां अखां विच इन्हां बदलों नूं वेख के कोई चमक कोई खुशी की लहर आउंदी है ना कोई नंगे पैरीं धरती की सुगंध पीण आया। भाव कि जदों मीह पैंदा है तो मीह पैण तो बाद धरती की मिट्टी जां जमीन जो हुंदी है उस विच एक खास तरह की महक जां सुगंध आउंदी है। रब वेखदा है कि कोई भी मनुख इस सुगंध का भी आनंद नहीं माणदा ते ना ही कोई मनुख मीह विच वाल खोल के डिगदियां होईयां कणियां नूं अपने हत्थां ते फड़दा है जां अपने हत्थां दे उपर उन्हां कणियां दे डिगण दा आनंद माणदा है। मुकदी गल ये है कि रब जो कि एक चिड़ी दे रूप विच सी वो वेखदा है कि कोई भी मनुख बरसात दे मौसम दा आनंद नहीं लै रहा सी। हुण रब बहार दे मूँह वल तकणों झिझकदा सी। हुण की होया कि जदों रब ये सारे दृश्य वेखदा है तो फिर अखीर विच आके जदों वो मीह दियां कणियां दा दृश्य वेखदा है तो तकदा है कि कोई भी मनुख उन्हां नाल कोई सरोकार कोई संबंध नहीं दर्शाता बल्कि हर मनुख इन्हां कणियां तो बचण की कोशिश करता है तो फिर किते ना किते रब नूं रुत्तां की शिकायत जायज़ प्रतीत हुंदी है तो इसलिए वह बहार भाव की जो बरसात की रुत्त सी जो उहदे नाल सी उहदे वल तकण तो कुछ संग जां झिझक महसूस करता है। हाँ जी हुण वह उस शहर वल पिठ करके तुर पिया। हुण शहर पिछे रह गया सी डिंगी टेढ़ी डंडी उत्ते खुले खेतों के विचकार एक गौंदा बंदा तुरिया जा रहा सी मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है। इस तों बाद की हुंदा है कि रब हुण शहर नूं छड्ड के शहर दे वलों रब दा जदों मन उचाट हो जाता है तो उस दे वल पिठ करके तुर पैंदा है। जदों शहर तो काफ़ी दूर आ जाता है तो शहर पिछे रह जाता है। फिर रब एक खुले खेतों वाले स्थान पर आता है। वो की वेखदा है कि उत्थे एक विंगी टेढ़ी डंडी भाव एक कच्चा रस्ता हुंदा है तो उत्थे खुले खेतों के विचकार एक मनुख उस डंडी के उपर तुरिया जाता एक गीत गा रहा हुंदा है कि मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है। किनू ना मिलने की कसम खाधी है इसने चिड़ी बने रब ने बहार नूं पुछया उसनू जिहड़ा बहार के मौसम विच शायद इसनू सब तो वध याद आ रहा है। हुण रब जदों उस मनुख नूं वेखदा है तां उह बहार नूं प्रश्न करदा है कि इह मनुख किस नूं ना मिलण दी कसम खा रहा है तां बहार रब नूं स्पष्ट करदी है कि इह मनुख शायद उस अपने प्रेमी नूं मिलण ना मिलण दी कसम खा रहा है जो इस नूं बहार दे मौसम विच बहुत ज़्यादा याद आ रहा है ते उह इन्ना ज़्यादा याद आ रहा है कि इस नूं उस नूं ना मिलण दी कसम खाणी पै रही है। हाँ जी तैनू किवें पता है ना मिलण लई कसम जो खाणी पै रही है। हुण रब बहार नूं पुछता है कि उहनूं इह किवें पता है कि इस नूं जिस प्रेमी की सब तो वध याद आ रही है उसनूं ना मिलण लई कसम खाणी पै रही है तां
ਜੋ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੰਡੀ ਡੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਛੱਡੇ, ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਵਾਕਫਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਡੰਡੀ ਉੱਤੇ, ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਡੰਡੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਣੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਮਟਕਾਉਣੇ ਤੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਵੱਲ ਇੰਜ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੀਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਤੁਮਕੋ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੰਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਐਨਕ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕੀਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕੀਆ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾਕੀਆ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਐਨਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਓ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 49। ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਿਨਾਂ ਹੌਲੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕਸੇ ਮੈਲੇ ਖਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਖੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੀਆ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਭਿੱਜਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਖੱਚਰੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸ਼ਕਰੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਖੱਚਰੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕੀਏ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਸ਼ਕਰੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਚਰਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦਾ ਡਾਕੀਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕੀਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੀਆ ਸੋਚਦਾ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਭੇ ਵੱਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
जो कि पिंड तो काफ़ी दूर आया होया सी, ओ मड़ियां वाले टोबे वल नूं मुड़ पैंदा है। टोबे तो भाव इत्थे छप्पड़ है। क्यों? चिड़ी बने रब ने बहार नूं पुछिया। हुण रब जो है वह बहार नूं फिर सवाल करता है कि यह बंदा हुण खेतां तों बाद पिंड तों दूर मड़ियां वाले पासे टोबे वल नूं क्यों जा रहा है। खबरे सोचता होवे कि शायद मरन वालियां विच कोई जिउंदा बंदा ही होवे। चिड़ी बनिया रब हस पिया। इत्थे बंदियां नूं मर के ही पता लगता है कि वह जिउंदे भी सन। रब ने हैरान होके पुछिया। हुण जो बहार सी वह रब दे सवाल दा जवाब दिंदी होई कहिंदी है कि यह बंदा मड़ियां वल इसलिए जा रहा है ताकि उत्थे जाके ये वेख सके कि शायद इत्थे मड़ियां विच जो बंदे मरे हुए हैं उन्हां विच कोई जिउंदा बंदा ही ना बचिया होवे। तां बहार दी ये गल व्यंगमई गल सुन के रब थोड़ा हस पैंदा है ते हासोहीणे लहजे विच ही ओह कहिंदा है कि अच्छा इत्थे जिहड़े बंदे मर जांदे हन उन्हां नूं मरन तों बाद इस गल दा अहसास हुंदा है कि कदी ओह जिउंदे वी सन। इस तों ये प्रतक हुंदा है कि असल विच लेखका यह दर्शाना चाहती है कि विज्ञानक तरक्की के कारण मनुख का जीवन इन्हां रुझेवें भरपूर हो गया है कि उसनू जिउंदे जी जीवन का अहसास भी नहीं हुंदा ते मरण तो बाद ही उन्होंने इस गल का पता लगता है कि कदे वह जिउंदे भी सन। वह बंदा टोबे के कंढे उत्ते पहुँच गया। टोबे विच पंभूल खिले हुए सन। किन्ना ही कुछ उस बंदे दे मन विच खिड़ गया। उसने लरसा के अपने तोर अंदरले बोलां राही गाया, मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है। हाँ जी, टोबे दे कंडे ते जदों ओ मनुख पहुँच जाता है तां ओ उस छप्पड़ विच उस टोबे विच खिड़े हुए पंबूल भाव फुल्लां नूं वेखदा है। इन्हां खिड़े हुए फुल्लां नूं वेख के उस बंदे दा मन भी फुल्लां वांग ही खिड़ जाता है, भाव कि वह बेहद खुश हो जाता है। फिर वह उस तों बाद इस खुशी दे रों विच ही कंबदा होया अपने तोर अंदरों फिर उही गीत गाँदा है कि मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है। टोबे विच बगले चोहल कदमी करते फिर रहे सन, कुछ बोल भी रहे सन, उसनू लग्या कह रहे हैं चंगा चंगा। हुण की हुंदा है कि जदों वह बंदा गीत गाँदा है तो उत्थे छप्पड़ दे विच कुछ बगले सन जो अपने कदमां दे नाल हौली हौली पुलांगा पुट रहे सन ते नाल नाल मूहों कुछ बोल भी रहे सन। वह मनुख कुदरत दे नाल पंछियां दे नाल अपने आप नूं इन्ना इकमिक महसूस करता है कि उसनूं इंज लगता है कि जिवें वह पंछी उहदियां गल्लां विच हुंगारा दे रहे हैं ते उसनूं कह रहे हैं कि हाँ हाँ चंगा चंगा। टोबे दे कसमैले पानी विच डिगदियां कणियां नाल पानी दे जिवें कुतकुताड़ियां निकल रही सन। फिर इस तों बाद मनुख वेखदा है कि उस छप्पड़ दा जो गंदा पानी सी उस विच जो मीह दियां कणियां डिग रही सन वो कणियां डिगण तों बाद पानी दे विच जिहड़ी हिलजुल हुंदी सी वो हिलजुल इंज प्रतीत हो रही सी कि जिवें ये कणियां टोबे दे पानी नूं कुतकुताड़ियां कढ़ रही होण, भाव पानी दे नाल शरारतां कर रही होण। फिर उस बंदे ने कंडे उत्ते बैठ के टोबे दी चीकनी काली मिट्टी अपने हत्थां नूं मल लई। फिर वह हत्थां नूं हिला हिला हत्थां दा परछावां पानी विच देखदा रहा जिवें हैरान हो रहा होवे कि मिट्टी दे बने हुए हत्थ किंज नृत कर रहे हन जिवें सच्ची मुच्ची दे होण ते इन्हां हत्थां दी इन बिन नकल पानी विच दिसदा इन्हां दा परछावां कर रहा सी। उसनूं इह कोई बहुत बड़ी करामात लगदी सी। हाँ जी, इस तों बाद की हुंदा है कि उही मनुख जो कुदरत दे नाल विचर रहा सी वह उस टोबे दे कंढे उत्ते बैठ जांदा है। उस टोबे दे विचली जो काले रंग दी चीकनी मिट्टी सी उस मिट्टी नूं ही अपने हत्थां नूं मल लैंदा है। जदों वह अपने हत्थां नूं मिट्टी दे नाल उस चिक्कड़ दे नाल लबेड़ लैंदा है तां उहनां लिबड़े हुए हत्थां दे परछावें पानी विच बणाउंदा है। उहनूं इंज लगदा है कि जिवें ये परछावें पानी दे विच कोई नाच कर रहे होण ते ये हत्थां दे परछावें वास्तविक भाव की असली होण। फिर वह इन्हां दी हूब हू नकल जदों उसनूं पानी विच दिसदी है वह इन्हां दा परछावां वेखदा है तो इस गल दा वह बहुत ही आनंद मानदा है। उसनूं इंज लगदा है कि जिवें उसदे हत्थां दे परछावें जो कि पानी विच दिख रहे हन ते नृत्य कर रहे हन कोई बहुत ही वड्डी करामात, कोई बहुत ही वड्डा चमत्कार है। हाँ जी, पेज नंबर 54।
फिर उसने पानी का उंजल भर के पंबूलों उत्ते सुटिया। वो नच उठे, वो गाण लग पिया। सोहजां दी जिंद मेरी, बदलों की जिंद मेरी, पंछियों की जिंद मेरी, पत्तियां की जिंद मेरी, पौणा की जिंद मेरी, मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है। हाँ जी, हुण की हुंदा है कि वह मनुख टोबे विचले पानी का एक बुक भरता है, तो उस पानी नू बुक भर के टोबे विच खिड़े फुल्लां दे उपर सुटदा है। पानी दे छिट्टे वजण नाल वह फुल हिलजुल करते हैं, तो उसनू इंज लगता है जिवें वह नच उठे होण। इस फुल्लां दी हालत नू देख के जां फुल्लां दी सुंदरता नू देख के वह उच्ची आवाज़ विच गाउण लग पैंदा है कि उस दी जिंद भाव कि उस दी जान सोहजां भाव कि खूबसूरती ते सुंदरता दी बनी हुई है। हुण सोहज केड़ा है? प्रकृतिक सोहज जां कुदरती सोहज दी गल कर रहा है। उस दी जान बदलां दे नाल बनी हुई है, उस दी जान पंछियां दे नाल रची हुई है, ते उस दी जिंदगी पत्तियां दे नाल जुड़ी हुई है। उस दी जिंदगी दा आधार ये वगण वालियां पौणा भाव हवावां हन। इस तरह ये सारियां कुदरत नाल संबंधित चीज़ा, प्रकृति नाल संबंधित ये सारियां शयां नाल उसकी इन्नी ज़्यादा एकमिकता है कि वह इन्हां नूं मिलण लई इन्ना उतावला हुंदा है कि अपने उतावलेपन नूं रोकण लई उसनूं कसम खानी पैंदी है कि इन्हां शयां दे आधार ते बनी हुई हे जिंदगी, हे मेरे जीवन, मैं तैनूं ना मिलण दी कसम खाधी है। असल च पूरी कहानी विच वो मनुख जो ये गीत गाँवता है कि मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है, हुण इत्थे तुम तो भाव किसनू, तो किसनू तो भाव यह है कि वह प्रकृति ज कुदरत दे नाल संबंधित दृश्यों नू ते इन्हां दृश्यों नाल जुड़ी अपनी जिंदगी नू ना मिलने की कसम खाता है, पर उन्हां नाल इन्ना एकमिक हुंदा है कि इस करके इन्हां नू मिलण लई, इन्हां नाल रचण मिचण दे लई वो बेवस हो जाता है। फिर उसने हथ धो लए, टोबे कंडे खड़े बरोटे नाल अखा ही अखा राही गल कीती। तेज़ हवा विच बरोटे दे पत्ते अगड़ पिछड़ खड़खड़ करदे जिवें भज्जे जा रहे सन। इस तों बाद वो अपने चिकड़ नाल लिबड़े हत्थां नूं धो लैंदा है, ते फिर टोबे दे किनारे एक छोटा जिहा रुख जो कि बरोटे दा रुख सी उहदे नाल अखा ही अखा नाल गल करदा है, भाव कि मूहों बिना कुछ बोले उस रुख दे नाल भी वह अपनियां अखां नाल ही एक मिकता दा अहसास करता है। उन्हूं इंज लगता है कि जिवें बरोटे दे पत्ते जो कि अगड़ पिछड़ भाव वारी वारी खड़खड़ कर रहे हैं, हिल रहे हैं, जिवें किसी पासे तेज़ हवा दे तेज़ बुलियां नाल भज्जे जा रहे हैं। चिड़ी बने बरोटे उत्ते बैठे रब वल तक के उस बंदे ने सीटी मारी। फिर वह मनुख बरोटे दे रुख उत्ते चिड़ी दे रूप विच बैठे रब वल वेखदा है, ते उस चिड़ी भाव पंछी नू भी अपने नाल इकमिक महसूस करदे होया खुशी भरे रों विच उस वल तकदा है, वेखदा है, ते अपने मन दी खुशी दे रों नू जाहर करन लई सीटी मारदा है। उस समय रब दे कोल बहार खलोती हुंदी है, वह मनुख दी इस सीटी नू सुन के थोड़ा शर्मा जांदी है। रब हस पिया ते बोलिया, उन्हां सारिआं लई ना सही, अजिहे एक लई ही रुत्तां आउंदियां रहणगियां। बदल वरदे रहणगे, फुल खिड़दे रहणगे, ते सूरज चढ़दे रहणगे। जिहड़ा गा रिहा सी मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है, बहार ने जिवें आग्या आख के सिर निवा दिता। चिड़ी बणिया रब सोच रिहा सी उपर स्वर्ग जाया जावे कि ना। हाँ जी, कहानी के अखीर ते की हुंदा है कि रब उस मनुख नूं कुदरत नाल अटखेलियां करदिआं वेख के हस पैंदा है, पर खुश हुंदा है, ते फिर वो की फैसला दिंदा है कि बेशक बाकी सारे मनुख जो कुदरत दा आनंद नहीं माणदे हन, बेशक उन्हां वास्ते रुत्तां दी इस धरती उपर लोड़ नहीं है, परंतु इहो जिहे एक मनुख ही जो कि कुदरत दा आनंद माणदे हन ते कुदरत दे नाल इकमिक हुंदे हन, उन्हां वास्ते रुत्तां दी धरती दे उपर मौजूदगी जरूरी है। इसलिए रुत्तां हमेशा धरती दे उपर आउंदियां जांदियां रहणगियां, ते रुत्तां दे अनुसार मौसम बदलदे रहणगे, भाव कि बदल वरदे रहणगे, बरसात दा मौसम आउंदा रहेगा, फिर फुल खिड़दे रहणगे, भाव कि बहार दी रुत्त आउंदी रहेगी, ते सूरज चढ़दे रहणगे,
जिहड़ा गा रहा सी मैंने तुमको ना मिलने की कसम खाई है, भाव कि इहो जिहे मनुखां वास्ते रुत्तां धरती ते आउंदियां जांदियां रहणगियां। जदों रब ये फैसला सुनाउंदा है तो बहार उस दे फैसले नूं सिर मत्थे मनदी है तो जिवें आग्या कह के रब दे हुक्म नूं स्वीकार कर लैंदी है। इस तों बाद हुण रब नूं धरती इन्नी प्यारी लगती है कि वह उस दे सोहप्पण नूं वेख के सोचां विच डुब जांदा है कि हुण धरती दे उपर ही रवे कि जां फिर स्वर्ग दे विच वापस जावे। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो विच असीं इस कहानी दी रीडिंग नूं खत्म कीता है। आई होप यू ऑल विल रीड दिस स्टोरी थोरली टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। और इस तों अगलियां वीडियोज़ विच असीं इसका एक्सट्रैक्ट नंबर 1 डिस्कस करांगे। उदों तक थैंक्स।